حمدا ومصليا أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه قال آجل بشر المؤمن رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب। गुज़श्ता दर्स में ये बताया गया था कि रियाकार की रियाकारी का मकसद ये होता है कि लोग उसकी तारीफ़ करें। वो दिखलावे के लिए अमल इसलिए करता है ताकि लोग उसको बड़ा समझें, बहुत बड़ा इबादत गुज़ार कहें और हर वक्त उसके अमल की तारीफ़ करते रहें। लेकिन अगर किसी की नियत दिखलावे की ना हो, वो अल्लाह की रज़ा के लिए इबादत कर रहा हो और लोग उसकी तारीफ़ करने लग जाएं, तो क्या ये भी रियाकारी में शुमार होगा? यही सवाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, जिसका तज़किरा अभी जो हदीस मैंने पेश की उसके अंदर किया गया है। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ارأیت الرجل يعمل العمل من الخير کہ اللہ کے رسول کوئی آدمی نیک عمل انجام دے رہا ہو ويحمده الناس عليه اور اس پر لوگ تعریف کرنے لگ جائیں تو آپ کا ایسے آدمی کے تعلق سے کیا خیال ہے؟ کیا یہ بھی ریاکار آدمی ہے؟ क्या इसका अमल भी रियाकारी में शुमार होगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आजिलु बुश्र अल मुमिन, ऐसा नहीं है, बल्कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से पेशगी खुशखबरी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ इसका अमल कबूल कर लिया गया है। हदीस का मफहूम बिल्कुल वाज़ह है कि जो आदमी इस नीयत से इबादत कर रहा हो कि वह अल्लाह की रज़ा को हासिल कर रहा है, वो अल्लाह की रज़ा के हासिल करने के लिए नेक अमल को अंजाम दे रहा है, उसकी नीयत दिखलावे की नहीं है और लोग उसके अमल पर तारीफ़ करने लग जाएं, तो फिर ऐसे आदमी के लिए कोई ख़तरा नहीं है, ऐसा आदमी रियाकार नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से ये खुशखबरी है कि उसका अमल कबूल कर लिया गया है, जिसकी गवाही लोग दे रहे हैं, यानी लोग अपनी तारीफ़ों के ज़रिए से इस चीज़ की गवाही दे रहे हैं। तो एक रियाकार आदमी जो दिखलावे के लिए अमल करता है, वो अपनी मेहनत और अपने वक्त को ज़ाय कर रहा है। कितना ही बेहतर उसके लिए है कि वो खालिस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए इबादत करे और कुरान और हदीस के अंदर जो रियाकारों के लिए वईदें सुनाई गई हैं, उन वईदों से बच जाए। बहुत सख्त वईदें बयान की गई हैं ऐसे लोगों के ताल्लुक से। हज़रत जुंदुब बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सम्मा असम्मा अल्लाहु बिही, जो आदमी दिखलावे के लिए इबादत अंजाम देता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन ऐसे आदमी को रुसवा कर देगा। वमन युराई युराइल्लाहु बिही, और जो आदमी नेक अमल को अंजाम दे रहा है ताकि लोग उसको बड़ा समझें, बड़ा इबादत गुजार कहने लग जाएं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे आदमी के पोशीदा ऐब और भेद को लोगों में जाहिर कर देगा। कोई ऐसी गलती उसने की है, कोई ऐसा बुरा काम उसने अंजाम दिया है जिसको लोग नहीं जानते हैं, लेकिन दिखलावे के लिए जब वो इबादत को अंजाम देता है तो ऐसे आदमी के ऐब को अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों में जाहिर कर देता है, यानी दुनिया में भी उसके लिए रुसवाई है और आखिरत में भी उसके लिए रुसवाई है। तो कितना बेहतर होता उस आदमी के लिए, मेहनत तो ज़ाय कर रहा है, अपना वक्त सर्फ कर ही रहा है, कितना बेहतर होता कि नीयत को खालिस करके इन वईदों से बच जाता। और इतनी बड़ी वईद इसलिए बयान की गई है क्योंकि रियाकारी शिर्क के कैटेगरी में आता है, ये शिर्क की किस्म में से है। गुज़श्ता दर्स में एक हदीस बयान की गई थी,
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या मैं तुम्हें दज्जाल के फितने से बढ़कर फितने के बारे में ना बता दूं जो दज्जाल के फितने से भी ज़्यादा ख़तरनाक है और जिसका डर तुम्हारे ताल्लुक से मुझे है। सहाबा इकराम ने कहा, क्यों नहीं अल्लाह के रसूल, ज़रूर बतलाइए। तो आपने कहा, वो चीज़ अशिरकुल खफी, शिरक खफी है, पोशीदा शिरक है। दिखलावे के लिए अमल करना ये पोशीदा शिरक है, क्योंकि अल्लाह की इबादत में उसने किसी और को शरीक कर लिया, दूसरे को दिखलाने के लिए उसने इबादत को अंजाम देना शुरू कर दिया, मतलब उसने अमल में अल्लाह के साथ दूसरे को शरीक कर लिया। और ये पोशीदा इस वजह से है कि जल्दी से इंसान उस रियाकार आदमी की नियत को नहीं भाप सकता, जल्दी से इंसान ये नहीं समझ सकता कि ये अल्लाह की रज़ा के लिए इबादत को अंजाम दे रहा है या लोगों को दिखलाने के लिए, इसलिए इसको पोशीदा शिर्क कहा गया। और एक दूसरी हदीस में जो मुसनद अहमद की हदीस है, अल्लामा अल्बानी ने हदीस को सही करार दिया है, उस हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि रियाकारी शिर्क असगर है। इन्ना अखवाफ मा अखाफ अलैकुम अशिर्कुल असगर, कि तुम्हारे ताल्लुक से मुझे जिस बात का सबसे ज्यादा डर है, अशिर्कुल असगर, वो शिर्क असगर है। कालू व मशिरकुल असगर या रसूलल्लाह, सहाबा इकराम ने पूछा, अल्लाह के रसूल, शिर्क असगर क्या चीज़ है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अर्रिया, दिखलावे के लिए इबादत को अंजाम देना। दोनों हदीसों से मालूम हुआ कि रियाकारी करना ये शिर्क की एक किस्म है। ऐसे लोगों से कहा जाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम लोगों के आमाल का बदला अता करेगा कयामत के दिन, तो रियाकार लोगों से अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा कि तुम लोग जाओ उस आदमी के पास जिसको दिखलाने के लिए तुमने इबादत को अंजाम दिया था, उस आदमी के पास जाओ और देखो क्या वो तुम्हें बदला दे सकते हैं तुम्हारे अमल का। यानी जिसकी रज़ा के लिए, जिसको दिखलाने के लिए तुमने इबादत को अंजाम दिया था, तुम उस आदमी के पास चले जाओ और देखो क्या वो तुम्हें इस बात का बदला दे सकते हैं, तुम्हारे अमल का बदला दे सकते हैं। तो वो लोग तो जाएंगे, लेकिन बदला मिलेगा हरगिज़ नहीं, क्योंकि अल्लाह के अलावा तो वहाँ कोई किसी को बदला देने वाला नहीं है। हर शख्स तो खुद ही नफ्सी नफ्सी के आलम में होगा, हर शख्स को अपनी अपनी पड़ी होगी। यहाँ तक बयान किया गया कि आदमी तो अपने बेटे से, बेटा बाप से, अपने भाई से, अपनी माँ से, हर एक से तो दूर भागेगा। हर शख्स खुद ही नफ्सी नफ्सी के आलम में होगा, तो वो किससे जा करके बदला तलब करेगा? तो रियाकार आदमी के लिए बहुत सख्त वईद है, उसके लिए दुनिया में भी रुसवाई है, आखरत में भी रुसवाई है। वो अपना वक्त सिर्फ ज़ाया कर रहा है, अपनी मेहनत ज़ाया कर रहा है। अगर नीयत को खालिस कर ले तो वो दुनिया और आखिरत दोनों जगह कामयाब हो सकता है। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ, अल्लाह ताला हम सबों को सही समझ और नेक अमल की तौफीक